प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग टर्नर सिंड्रोम के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। यह एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और आज इस वीडियो के माध्यम से इस डिसऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या है। तो देखिए, गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता के कारण ये विकार प्रकट होते हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, हमारा जो जीनोम है वो 46 गुणसूत्र का है। तो उस संख्या से कम या उस संख्या से ज़्यादा अगर गुणसूत्र हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर किसी व्यक्ति में 46 जगह 45 गुणसूत्र हों या 46 जगह पे 47 गुणसूत्र हों तो इस बीमारी को हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहले सिंड्रोम किसे कहते हैं? देखिए, सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का समूह, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। आपने देखा, यहाँ हमने टर्नर डिजीज नहीं लिखा, टर्नर सिंड्रोम लिखा, क्योंकि जब ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसी व्यक्ति में होता है तो उसके कई लक्षणों में परिवर्तन आता है, तो लक्षणों का समूह होने के कारण से हम इसको क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, सिंड्रोम का मतलब है लक्षणों का समूह, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। सर्वप्रथम हेनरी एच टर्नर ने इस सिंड्रोम के बारे में 1938 में बताया था और इन्हीं के नाम पर इस डिसऑर्डर को हम टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। यह एक लिंग गुणसूत्र विकार है। आप जानते हैं, हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र में से 44 गुणसूत्र ऑटोसोम हैं और 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र हैं। तो ये लिंग गुणसूत्रों का विकार है, ये आपको पता होना चाहिए। लक्षण प्रारूप के आधार पर अगर हम टर्नर सिंड्रोम के लक्षणों को देखें तो ये पता चलता है कि ये क्या है, ये फीमेल्स हैं, ये मादाएं हैं। आप जानते हैं कि फीमेल जो है उसके शरीर में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं। फीमेल के शरीर में 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, या कहिए 44 गुणसूत्र होते हैं और 2 एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर हम फीमेल टर्नर की बात करें, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये क्या है, मादाएं हैं, तो एक सामान्य फीमेल का जो करैक्टर है वो क्या है, उसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम और 2 जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं और टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन अगर कोई फीमेल टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित है तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑटोसोम तो 42 जोड़े ही होते हैं, ऑटोसोम तो 42 ही होंगे, लेकिन आप देखें उसमें जो लिंग गुणसूत्र हैं, यहाँ एक्स ओ शो किया गया है, मतलब उसमें 2 एक्स ना होकर के केवल 1 एक्स होता है। अर्थात जो फीमेल टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित है उसमें 2 एक्स लिंग गुणसूत्र ना होकर के केवल 1 लिंग गुणसूत्र होता है एक्स। तो स्वाभाविक रूप से बात है, गुणसूत्रों की संख्या भी 46 से घट करके क्या रह जाती है, 45। अब ये एक डायग्राम मैंने दिखाया है एक टर्नर सिंड्रोम का। आप देखिए, यहाँ 22 जोड़ी तक जो गुणसूत्र हैं सब में गुणसूत्र जोड़ी में है, ये सामान्य मादा में भी होगा और एक टर्नर सिंड्रोम मादा में भी होगा। लेकिन 23वीं जो जोड़ी होती है, 23वीं जोड़ी में सामान्यता कितने गुणसूत्र होते हैं, 2 होते हैं, 2 एक्स होते हैं, लेकिन चूंकि ये टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप दिखाया गया है तो यहाँ पे आप देखिए केवल एक्स ओ लिखा है, मतलब केवल इसमें 1 एक्स गुणसूत्र है। तो 22 जोड़ी मतलब 44 गुणसूत्र और 1 गुणसूत्र 45, तो फीमेल जो टर्नर होगी उसमें 45 गुणसूत्र होंगे, क्योंकि उसमें 2 लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स के स्थान पर, 2 लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स के स्थान पर केवल 1 एक्स पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो मादा है उसमें 1 लिंग गुणसूत्र कम होता है, अर्थात इसमें लिंग गुणसूत्रों की मोनोसोमी पाई जाती है। आप जानते हैं मोनोसोमी का मतलब क्या होता है, कि जब गुणसूत्र जो है आदर्श संख्या से कम हो जाए तो उसको हम मोनोसोमी कहते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पे लिंग गुणसूत्र की मोनोसोमी प्रदर्शित हो रही है। अब देखिए, जैसा मैंने आपसे ये बताया कि एक्स गुणसूत्र टर्नर सिंड्रोम मादा में 1 कम होता है। अब यहाँ एक चीज आप और समझिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बार बॉडी के हिसाब से भी आपको समझाऊंगा। बार बॉडी किसे कहते हैं? देखिए, बार बॉडी से तात्पर्य है एक एक्स गुणसूत्र से जो गहरे रंग का है और हेट्रोक्रोमेटिक होता है। ये ध्यान रखिएगा, बार बॉडी का मतलब क्या है, एक ऐसा एक्स गुणसूत्र जो गहरे रंग का है और हेट्रोक्रोमेटिक है। साधारण जो फीमेल होती है, जो स्वस्थ फीमेल होती है, उसमें सामान्यतः 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और 2 एक्स गुणसूत्रों में
जो बार बॉडी है वो संख्या में क्या है, एक है। मैंने आपसे कहा दो एक्स हैं जिनमें से एक एक्स क्या होगा, हेट्रोक्रोमेटिक होगा। तो सामान्यतः जो फीमेल होती है उसमें अगर आपसे पूछा जाए तो बार बॉडी की संख्या क्या है, एक होती है। आप चाहें तो इस सूत्र के माध्यम से भी यहां प्रदर्शित कर सकते हैं, एन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू बार बॉडी। एन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम। तो आप जानते हैं एक सामान्य फीमेल में क्रोमोजोम कितने होते हैं, एक्स दो, तो टू एक्स माइनस वन बराबर कितना बचा आपका, वन। आपकी बात समझ में आ रही है? तो सामान्य फीमेल जिसमें दो एक्स गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या कहते हैं, कितने बार बॉडी होती है, केवल एक होती है। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित मादा है उसमें बार बॉडी की संख्या अगर आपसे पूछी जाए एग्जाम में तो वो शून्य होती है। आप देखिए एक सामान्य फीमेल है तो उसमें x कितने हैं आपके, दो, तो जो सूत्र है आपका n x माइनस वन, अगर आप इसमें रखेंगे तो n बराबर कितना है, दो, तो दो एक्स हो गए, तो दो एक्स माइनस वन बराबर कितना आ गया आपका, वन। तो ये एक सामान्य गुण जो मादा है उसमें बार बॉडी की संख्या क्या हो गई, एक। लेकिन अगर टर्नर सिंड्रोम है, आप जानते हैं टर्नर सिंड्रोम में x संख्या में कितना होता है, एक ही तो होता है, तो हम अगर उसको इस सूत्र में लिखेंगे तो n का मान कितना आ गया, एक, एन एक्स का मान आ गया एक माइनस एक बराबर क्या आ गया आपका, जीरो। क्योंकि टर्नर सिंड्रोम में एक्स जो होता है संख्या में क्या होता है, केवल एक होता है, तो बार बॉडी की संख्या क्या आएगी, शून्य आएगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए टर्नर सिंड्रोम की, देखिए टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं उनमें हार्मोन की स्थिति क्या होती है। देखिए टर्नर सिंड्रोम में जो एफ एस एच होता है, क्योंकि फीमेल है, जो एफ एस एच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसका स्तर काफी उच्च होता है। जो फीमेल होती हैं उनमें टर्नर सिंड्रोम जो होती हैं उनमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल होता है वो काफी हाई होता है, जबकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसकी बेहद कमी होती है। यह आपको पता होना चाहिए कि टर्नर जो सिंड्रोम होती है फीमेल्स उनमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल काफी हाई होता है और एस्ट्रोजन की मात्रा जो है वो काफी कम होती है। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम से जो पीड़ित फीमेल है जिसमें एक गुणसूत्र एक्स जो है कम है और कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, एक आइडिया मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए कोई फीमेल है और उसमें अंडजनन की क्रिया हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो होता क्या है, ये यहाँ मैं केवल लिंग गुणसूत्रों की बात कर रहा हूँ, जबकि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये जो प्रक्रिया है वो सभी गुणसूत्रों के जोड़ों में होगी। लेकिन चूंकि टर्नर सिंड्रोम एक लिंग गुणसूत्र की बीमारी है इसलिए मैं लिंग गुणसूत्रों को लेकर के ही यहाँ चल रहा हूँ, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, अंडजनन की क्रिया जब होती है तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये जो प्रक्रिया यहाँ दिखाई जा रही है ये सभी जोड़े के गुणसूत्रों में होती है। अब मान लीजिए फीमेल में दो एक्स गुणसूत्र हैं, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक बनते हैं, अंडे बनते हैं, तो क्या होता है कि एक गुणसूत्र इस जोड़ी का एक ध्रुव की ओर चला जाता है, नॉर्थ पोल की ओर, और एक साउथ पोल की ओर चला जाता है। नॉर्थ पोल की ओर एक युग्मक बन जाएगा और साउथ पोल की ओर एक युग्मक बन जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों युग्मकों में एक एक लिंग गुणसूत्र चला गया, एक एक्स ऊपर चला गया, एक एक्स नीचे चला गया। और ऑटोसोम्स जो होंगे आपके, आपको पता है कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। तो जैसे लिंग गुणसूत्र एक ऊपर एक नीचे गया तो वैसे ही ये 23 गुणसूत्र जो 44 गुणसूत्र हैं आपके, इन 44 गुणसूत्रों में प्रत्येक गुणसूत्र का एक गुणसूत्र ऊपर चला जाएगा और एक गुणसूत्र कहाँ होगा आपका, नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो होगा क्या, ये जो युग्मक बनेंगे इसमें ऑटोसोम कितने आ जाएंगे, 22 ऊपर वाले युग्मक में आ गए और 22 आपके नीचे वाले युग्मक में आ गए, और साथ ही साथ जो लिंग गुणसूत्र है एक इस युग्मक में चला गया, एक इस युग्मक में चला गया। तो 23 गुणसूत्र आपके इस युग्मक में हो गए और 23 गुणसूत्र आपके क्या हो गए, इस युग्मक में हो गए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम टर्नर सिंड्रोम की उत्पत्ति को देखें तो ये अर्धसूत्री विभाजन के असामान्य परिस्थितियों से डेवलप होता है। अब आप कल्पना कीजिए ये एक मदर सेल है जिसमें दो एक्स गुणसूत्र हैं, सामान्यतः इनमें से एक को ऊपर जाना चाहिए, एक को नीचे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, ये दोनों एक्स गुणसूत्र जो है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक पोल की ओर चले गए और दूसरी पोल की ओर एक भी लिंग गुणसूत्र नहीं गया, जिसके कारण ये जो ऊपर का युग्मक है इसमें दो लिंग गुणसूत्र चले गए जबकि जाना कितने चाहिए था, एक, और नीचे के युग्मक में एक भी नहीं गया जबकि जाना कितने चाहिए थे, एक।
तो ऊपर दो लिंग गुणसूत्र चले गए, 22 ऑटोसोम हो गए, तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए इस युग्मक के पास, 24। और नीचे जो युग्मक बना, जो अंडा बना, उसमें 22 ऑटोसोम हो गए, लिंग गुणसूत्र एक भी नहीं गया क्योंकि दोनों ऊपर चले गए, तो नीचे लिंग गुणसूत्र एक भी नहीं था, तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए, 22। अब इस प्रकार के युग्मक का अगर हम फर्टिलाइजेशन करें, इस युग्मक का जिसमें एक भी लिंग गुणसूत्र नहीं है, एक भी एक्स गुणसूत्र नहीं है, जब हम इसका फर्टिलाइजेशन एक मेल स्पर्म से करते हैं जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, आप जानते हैं कि मेल से दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक एक्स गुणसूत्र वाला और एक वाई गुणसूत्र वाला, तो जो एक्स गुणसूत्र वाला मेल है, स्पर्म है, जब वो इस प्रकार के अंडे को फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, अब आप इसको समझिए। देखिए ये जो मेल है इसमें कितने गुणसूत्र होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे, 22 ऑटोसोम और एक एक्स लिंग गुणसूत्र, और ये जो आपका अंडा है इसमें 22 गुणसूत्र हैं और इसमें जो एक्स गुणसूत्र होना चाहिए था वो नहीं है। तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या स्थिति आएगी, आपके 44 ऑटोसोम तो होंगे ही होंगे और लिंग गुणसूत्र क्या होगा, केवल एक एक्स होगा, वो कहाँ से आएगा, इस शुक्राणु से आएगा, और अंडे के पास तो कोई लिंग गुणसूत्र है ही नहीं, तो यहाँ पे दूसरा कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होगा। तो ये जो संरचना बनी 44 प्लस एक एक्स बराबर कितने, 45 गुणसूत्र, इसी को आपने क्या नाम दिया, टर्नर सिंड्रोम कहा। अब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के करेक्टर्स की, क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं इनमें अंडाशय अल्पविकसित होता है, इनके जो अंडाशय से संबंधित सभी जनन अंग हैं वो भी अल्पविकसित होते हैं, गर्भाशय अल्पविकसित होता है, गर्भाशय इनका बहुत छोटा होता है, डेवलप नहीं होता, और इसी कारण से ये बंधय होते हैं, मतलब नॉन फर्टाइल होते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इनकी ग्रीवा गर्दन बहुत छोटी होती है और त्वचा से वलन निकलकर कंधे तक निकल पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी फीमेल है, ये आपकी फीमेल है, ये इसकी गर्दन है और ये इसका कंधा, तो इसके ये मान लीजिए इसका कंधा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये गर्दन से ये त्वचा का वलन इस प्रकार से निकलकर इसके कंधे तक फैला हुआ होता है, तो ये कहलाता है त्वचा का वलन। तो ये इन टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। इनका जो कद है, जो इनका साइज है, वो बहुत छोटा होता है, लगभग 5 फीट से कम होता है। सुनने में ये परेशानी महसूस करते हैं, इनकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत कम होती है। हृदय में इनके रोग या विकार पाए जाते हैं। इनके स्तन जो होते हैं, मैमिली ग्रैंड जो होती हैं, वो अल्पविकसित होते हैं। अब चूंकि इनमें एस्ट्रोजन की मात्रा कम है तो इसमें रजोचक्र नहीं पाया जाता, और रजोचक्र नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें अंडोत्सर्ग की क्रिया भी नहीं होती। इनका सीना चौड़ा होता है जिसके कारण से जो निपल्स होते हैं वो एक दूसरे से बेहद दूरी पर होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने टर्नर सिंड्रोम के लक्षण, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।